जिले भर में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान 33 प्रमुख हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों का चयन कर उन्हें 100% लाभान्वित किया जाएगा। अभियान की तैयारियों के लिए जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाए जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सेवा अभियान का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में भी जन सेवा अभियान का पोर्टल बनाकर प्रत्येक जल को तथा प्रत्येक नोडल अधिकारी को लॉगिन की सुविधा दी गई है। शिविर के लिए तैनात नोडल अधिकारी के पास भी लॉगिन की सुविधा रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम की लॉगिन की सुविधा दी गई है। इनके द्वारा प्रत्येक शिविर के लिए तैनात नोडल अधिकारी को लॉगिन की सुविधा दी जाएगी। इसके माध्यम से शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों का संक्षिप्त विवरण तथा आवेदन में की गई कार्यवाही का विवरण दर्ज किया जाएगा। सभी विभागों के पात्र हितग्राहियों तथा शिविर में आवेदन देने वाले हितग्राहियों की जानकारी भी इसी पोर्टल पर दर्ज होगी। बैठक में बताया गया कि पोर्टल में जिलेवार, शहरी क्षेत्र में वार्डरवार तथा ग्राम पंचायत वार हितग्राहियों की योजनावार जानकारी दर्ज की जाएगी। शिविर जारी रहते समय तथा उसके बाद भी नोडल अधिकारी पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर सकेंगे। पोर्टल में आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेख दर्ज ना करें। आवेदक का नाम तथा वांछित सेवा दर्ज करके संबंधित विभाग से उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र का अंतिम रूप से निराकरण भी इसी में दर्ज किया जाएगा। इस पोर्टल में आम जन भी अपने आवेदन पत्र दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल में प्रत्यक्ष से सुविधा दी गई है। अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। आवेदन पत्र दर्ज करने के बाद प्रत्येक आवेदन पत्र के मान अथवा अमान होने के संबंध में पूरी जानकारी पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जाएगी। कलेक्ट्रेट के NIC केंद्र से कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वपिल वानखेड़े, अपर कलेक्टर सनेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारी शामिल रहे।